नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट टैक्स के मामले में। जी हाँ, हालांकि यहाँ पे हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में, जो दुबई में अभी बुरी तरीके से इंडियन टीम मैच हार के अपना मुंह छोटा करके इंडिया में आई थी। जी हाँ, लेकिन उनको हारने का इतना गम नहीं था, उससे ज़्यादा तो उनको महंगे तोहफे और गिफ्ट और अच्छी अच्छी क्वालिटी की घड़ियाँ वगैरह खरीदने का शौक था। जी हाँ, आपने सुनी होगी ये न्यूज़, हार्दिक पांड्या जो इंडियन क्रिकेटर हैं, जो जिनकी अभी इमेज बिल्कुल डाउन चल रही है इंडिया में, चाहे वो हेल्थ को लेके ले देख लो या फिर क्रिकेट में खेलने का उनका तरीका है लो। जी हाँ, वो आप देख सकते हैं ये स्थिति क्यों ही कैसा हुई उनकी बता दूं। 5 करोड़ की घड़ी एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी। जी हाँ, उसका क्या मैटर है, क्या डिटेल है, हम बात करेंगे और ऐसा क्यों हुआ। अगर आम आदमी को पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होता है, अगर कोई सेलिब्रिटी को पकड़ा जाता है तो उनके साथ क्या होता है। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, आपने अभी सुना होगा एक दो दिन पहले की ये न्यूज़ है, हार्दिक पांड्या को पकड़ा गया। जी हाँ, उनकी घड़ी जब्त कर ली गई थी जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई थी, 2 घड़ियों की कीमत। जी हाँ, हालांकि उनकी तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पे बयान आया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, मेरी घड़ी मात्र 1.5 करोड़ की थी, ऐसा उन्होंने बताया और उनका मैंने भुगतान कर दिया था। जो सफाई सब लोग देते हैं सेम वैसा ही उन्होंने भी सफाई दी अपने ट्विटर हैंडल पे जाके। लेकिन मैं ये जहां तक सोचता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, ऐसी नौबत क्यों आई हार्दिक पांड्या को बयान देने की जरूरत पड़ी। अगर देखिए, आदमी गलती करता है तो सफाई देता है, नो डाउट। जी हाँ, अगर गलती की नहीं तो सफाई देने की जरूरत का रही है, अफवाह उड़ी कैसे, सोचने की बात है ना। ये 5 करोड़ की घड़ी एयरपोर्ट जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अधिकारियों द्वारा जब्त की गई, उसमें जो उनके पास सामान था वो 5 करोड़, ये तो घड़ियां थी, इसके अलावा और भी उनके पास सामान था। जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसमें घड़ियों का जो वॉच है उनका कहीं पर भी उसमें एंट्री नहीं कर रखी थी, भाई ये मेरी घड़ी है, ये मॉडल नंबर इतने 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 पैसों की है, ताकि उसमें टैक्स चुकाया जा सके। आपको पता है भाई, इतना इंडिया इतना बड़ा देश होने के बाद पिछड़ा हुआ क्यों है। सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के जो अरबपति खरबपति करोड़पति लोग हैं, जो इंडिया का सरकार को टैक्स नहीं देते ये लोग। जी हाँ, हर वो इंसान जो करोड़पति जो अच्छा पैसा है वो चाहता है कि मैं टैक्स बचाऊं, और ये टैक्स अब आप इंडिया की तुलना विदेशों से करते हैं, अरे भाई वहां पे हर आदमी टैक्स देता है। आप यूरोप कंट्री में चले जाओ, जो आदमी जितनी भी उनकी तनख्वाह है ना, उसकी 30% 35% 40% टैक्स में चली जाती है। और आप इंडिया में सिचुएशन देखो, कितने लोग टैक्स पे रहे हैं इंडिया में। आप ऑनलाइन सर्च करना कि इंडिया की 140 करोड़ से लगभग पॉपुलेशन है, इंडियन टैक्स पेयर कितने हैं इसी वजह से। और इंडिया में पैसा आता कहाँ है भैया, टैक्स से आएगा पैसा तो। और ये लोग देखो, इतने इतने बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, हार्दिक पांड्या वर्ग के लोग हैं, ये टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो पकड़ा गया मामला, वरना ये निकाल जाते, या कोई अधिकारी सख्त था उन्होंने पकड़ लिया, वरना निकाल देते तो ये निकल जाता आराम से। अब मानिए, मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, 5 करोड़ का सामान है, कितना टैक्स लगता है आप सोचिए, लाखों रुपए टैक्स के बचा लेता ये। इसी वजह से अब ये लाखों रुपए टैक्स देता तो अकाउंट फंड में जाते, सरकार की टैक्स में जाते, सब कहीं ना कहीं तो ये गलत हो रहा है ना। ये लोग जो जितने सेलिब्रिटी है ना, आजकल देखना जितने भी लोग इन दुबई में गए हैं, बुरी तरीके से हार के, हार नहीं है बुरी तरीके से हार के ये लोग आए हैं। और आप देखिए इनके जो इंस्टाग्राम, हार्दिक पांड्या का इंस्टाग्राम स्टोरी देखो आप जाके, हर जगह वो लोग सामान बेचते हुए दिखेंगे आपको। कहीं आपको घड़ी का प्रमोशन हो रहा है, कहीं सूट का प्रमोशन हो रहा है, कहीं खाने का प्रमोशन हो रहा है, कहीं घूम रहे हैं। सेहत को लेकर इतने ये लोग सजग नहीं है, देश इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इनको कोई इतनी परवाह नहीं है कि हम अपनी बॉडी को फिट रखें देश के लिए खेलें। ये लोग हारने के बाद में वहाँ शॉपिंग कर रहे थे, गिफ्ट ले रहे थे और इंडिया आ रहे थे टैक्स बचा के। जी हाँ, वो घड़ी क्या इंडिया में नहीं मिलती भाई, दुबई में जो घड़ियाँ हैं जो वॉच हैं दुबई में इंडिया में नहीं मिलती क्या भाई, सब मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टैक्स देना पड़ता है, टैक्स बचाने के चक्कर में ये लोग ऐसा करते हैं। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि ये अच्छी बात है गलत बात है। आम आदमी आए दिन देखा जाता है 25 लाख का सोना पकड़ा गया, पुलिस ने किया गिरफ्तार, फलाना ढिमका, इस तरह से बड़ी न्यूज़ बन जाती है। अब जांच शुरू, अरे भाई क्या जांच है, 20-30 लाख का सोना जांच कर रहे हो, 5 करोड़ की गोल्ड पकड़ा, जांच करो ना उसकी, क्यों नहीं कर रहे हो आप, अरेस्ट करो उसको। अभी बोल रहे हैं हार्दिक पांड्या, बोल रहा है मैंने टैक्स जमा करवा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसी टैक्स तो वो भी करवा देंगे। एक वीडियो मैंने डाला है, 76 लाख का सोना सीकर में पकड़ा गया है, उनसे टैक्स मांग लो, वो दे देंगे टैक्स आपको, कहाँ दिक्कत है टैक्स देने में, गोल्ड छोड़ दो उनका, ऐसे थोड़ी होता है। जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया उसकी जब्ती होनी चाहिए ना, टैक्स जमा करा के वॉच ले जाने का क्या मतलब है भाई। ऐसे तो गोल्ड लोग लेके आ रहे हैं, उनका टैक्स दे देंगे, वो पकड़े जाएंगे तब तो टैक्स दे देंगे, नहीं पकड़े जाएंगे तो निकल जाएंगे।
ये स्थिति है भैया। इंडियन जो अच्छे लोग हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे आइडियल हैं, जिनके हम घरों में फोटो रखते हैं, मोबाइल में फोटो रखते हैं, उन लोगों की ये स्थिति है। आप देखिए, समझ में आ रही है कुछ बातें। बस ये अपडेट देनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।